बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से दुर्गा पंडाल में बड़ा हादसा होने से टल गया है। बड़ी जानकारी सामने आई है, बारिश की वजह से गिरा है दुर्गा पंडाल। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से फंसे लोगों को निकाला गया है। मामूली चोट आने से कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ा हादसा होने से टल गया है, मौके पर फायर फाइटर्स साथ ही स्थानीय पुलिस भी मौजूद है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, पीजीआई कोतवाली के एडेल्को उद्यान 2 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दुर्गा पंडाल में बड़ा हादसा होने से टला, बारिश की वजह से दुर्गा पंडाल गिर गया। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे। हालांकि जानकारी यह है कि स्थानीय लोगों ने और पुलिस ने मिलकर जो है फंसे हुए लोगों को निकाला। क्या इसमें कोई घायल हुआ है, क्या गंभीर रूप से घायल हुआ है, तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन मामूली चोट आने से कुछ लोग घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विशाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, तो उनसे अपडेट लेते हैं। विशाल जरा बताएं, ये हादसा होते होते टला है, अभी ये बताया जा रहा है कुछ लोग घायल हुए हैं, कितने लोग मौजूद थे, कैसे अभी वहां पर ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू बताएं। देखिए फिलहाल लखनऊ में चूंकि सुबह से ही काफी तेज बारिश हो रही है, इसके साथ साथ आंधी चल रही है, और इसी वजह से जो दुर्गा पंडाल बनाया गया था पीजीआई के एडेल्को उद्यान 2 में वो फिलहाल गिर गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि केवल 2 लोग ही मामूली रूप से घायल हैं, और चूंकि जब पंडाल गिरा है तब बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि बारिश की वजह से जो तमाम लोग थे वो जो है पंडाल में नहीं पहुंचे थे, और केवल जो पंडाल के कर्मचारी थे, जो पंडाल में जो टेंडर काम करते हैं वही वहां पर थे। तो फिलहाल 2 लोग जो है घायल हैं, और फिलहाल में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म हो गया है। जितने लोग अंदर फंसे थे वो बच गए हैं, और एक राहत की बात ये भी थी कि दुर्गा पंडाल में जब ये हादसा हुआ है तब पंडाल के अंदर केवल 5-10 लोग अंदर मौजूद थे, और इनमें से 2 लोग केवल घायल हुए, बाकी सभी लोग जो है बाहर आराम से निकल गए थे। एक बड़ा हादसा होते होते बचा है, क्योंकि लखनऊ में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, और ऐसे में उस बारिश के चलते ही ये एक बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन अब विशाल और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि आज विजयदशमी का पर्व भी है, और ऐसे में विशेष कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते भी हैं। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे 100 शहर 100 खबरें। गाजियाबाद में सड़क डपटने से हड़कंप मच गया है, 3 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग घर में मौजूद थे। गाजियाबाद हादसे पर सीएम योगी ने जताया है दुख, प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। लखनऊ में दुर्गा पंडाल में बड़ा हादसा होने से टला है, पुलिस की मदद से फंसे लोगों को निकाला गया। मामूली चोट आने से कुछ लोग जख्मी हुए। पौड़ी बस हादसे वाली जगह पर पहुंचे सीएम धामी, अधिकारियों से ले रहे हैं जानकारी।